वेलकम टू आशा ट्यूटोरियल। आज हम लोग इस वीडियो में सबस्ट्रक्शन ऑफ वेक्टर पढ़ेंगे। ये टॉपिक पढ़ने के पहले कुछ बात याद कर लेते हैं, ध्यान में रख लेते हैं कि दो वेक्टर का एडिशन में क्या क्या होता है, और फिर देखेंगे कि सबस्ट्रक्शन में इसका यूज कैसे किया जाए। एडिशन ऑफ टू वेक्टर, सपोज करते हैं वेक्टर ए ये है और वेक्टर बी ये है, दोनों के बीच एंगल थीटा है। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि दो वेक्टर को ऐड किया जाता है तो दो वेक्टर का एडिशन रिजल्ट जो है दोनों वेक्टर के बीच से क्रॉस करेगा, जैसा पिक्चर में मैंने दिखाया। तो पहली बात, वेक्टर सी रिजल्टेंट है वेक्टर ए और वेक्टर बी। जब भी दो वेक्टर को ऐड करेंगे तो दो वेक्टर रिजल्ट सी जो है दोनों के बीच से पास करेगा। और दूसरी बात, रिजल्टेंट वेक्टर का मैग्नीट्यूड यानी उसका वैल्यू कितना होगा, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर सी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी कॉस थीटा। ये बात हम लोग ध्यान में रखेंगे कि दो वेक्टर को ऐड करेंगे तो दोनों वेक्टर का रिजल्टेंट दोनों वेक्टर के बीच से होकर पास करेगा, और उस रिजल्टेंट का वैल्यू जो दिया जाएगा जो इस प्रकार है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी कॉस थीटा। हाँ, एक और बात, निगेटिव ऑफ वेक्टर क्या होता है, निगेटिव ऑफ वेक्टर, किसी वेक्टर का निगेटिव क्या होता है। फॉर एग्जांपल, सपोज कर दिया जाए कोई वेक्टर ए 5 meters east, अगर इसमें हम लोग माइनस वेक्टर माइनस साइन लगा दें तो ये कहलाएगा माइनस ऑफ वेक्टर ए, और ये हो जाएगा 5 meters west, 5 meters west। कहने का मतलब ये हुआ कि किसी वेक्टर का निगेटिव का मतलब हो जाता है कि उस वेक्टर का डायरेक्शन सीधा आप अपोजिट कर दीजिए। अगर कोई वेक्टर 5 meters east है तो वो क्या हो जाएगा, माइनस वेक्टर ऑफ ए का मतलब 5 meters west। तो हम लोग पढ़ते हैं सबस्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर, क्या पढ़ते हैं, सबस्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर, सबस्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर। वेक्टर ए सपोज करते हैं वेक्टर ए और ये दूसरा वेक्टर बी है, हम लोग को पता करना है वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी, वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी। इस बात को हम लोग ऐसे समझ सकते हैं कि वेक्टर ए में ऐड कर देना है माइनस ऑफ वेक्टर बी, वेक्टर ए में ऐड कर देना है माइनस ऑफ वेक्टर बी। तो जैसा भी देखें कि किसी वेक्टर का निगेटिव का मतलब होता है कि उसके डायरेक्शन को जस्ट अपोजिट कर दिया जाए, यहाँ पे मैंने जस्ट अपोजिट डॉट लाइन से दिखा दिया। तो माइनस ऑफ वेक्टर बी वेक्टर ए में ऐड करना है माइनस ऑफ वेक्टर बी, ये दोनों का रिजल्टेंट कहाँ से पास करेगा, दोनों के बीच से सी, यानी वेक्टर सी इस पिक्चर में इस बात को रिप्रेजेंट करेगा कि ये रिजल्टेंट है वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी। वेक्टर सी का मैग्नीट्यूड निकालना हो तो सपोज करते हैं वेक्टर ए और वेक्टर बी के बीच का एंगल थीटा हो तो दोनों के बीच का एंगल ये क्या होगा ज्योमेट्री से, पाई माइनस थीटा। नाउ तो हम लोग वेक्टर सी का मैग्नीट्यूड लिखने जा रहे हैं, ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस टू ए बी कॉस 180 माइनस थीटा।
अन्य रूप ए स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस टू ए वी कॉस थीटा, क्यों? क्योंकि एज कॉस 180 माइनस थीटा इजकल टू माइनस कॉस थीटा। तो यहाँ पे हम लोगों ने देख लिया कि वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी का रिजल्ट सी होगा और वैल्यू इस तरह से देंगे। अब आगे देखते हैं, इसी तरीके से अगर सिमिलरली अगर हम लोग को फाइंड करना रहता वेक्टर बी माइनस वेक्टर ए, वेक्टर बी माइनस वेक्टर ए, तो मैं इस पिक्चर को फिर एक बार ड्रॉ करता हूँ। वेक्टर ए वेक्टर बी ये गिवन है, वेक्टर बी में ऐड कर देना है माइनस ऑफ वेक्टर ए, तो माइनस ऑफ वेक्टर ए का मतलब ए को हम लोग अपोजिट डायरेक्शन में बढ़ा देंगे, ये वेक्टर माइनस ऑफ वेक्टर ए, ये दोनों का रिजल्टेंट सी डैश। पिक्चर में सी डैश रिप्रेजेंट कर रहा है वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी माइनस वेक्टर ए, वेक्टर बी माइनस वेक्टर ए। अगर सी डैश की मैग्नीट्यूड की बात की जाए, बी स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस टू ए बी कॉस 180 माइनस थीटा, ये दोनों वेक्टर के बीच का आएंगे 180 माइनस थीटा अंडर रूट। अगर दोनों फिगर से देखा जाए, कंपेयर किया जाए, तो ये स्पष्ट हो रहा है कि वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी का डायरेक्शन ये सी, इसके अपोजिट में वेक्टर बी माइनस वेक्टर सी का डायरेक्शन है। यानी हम लोग कह सकते हैं कि कंक्लूजन में नोट में कि वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी नॉट इक्वल टू वेक्टर बी माइनस वेक्टर ए, क्योंकि दोनों का डायरेक्शन अपोजिट है। वेक्टर ए माइनस बी का डायरेक्शन ये है और वेक्टर बी माइनस ए का डायरेक्शन ये है। लेकिन दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है, ये भी हमारा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस टू ए बी कॉस थीटा है, और ये भी ए स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस कॉस थीटा है। ए स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस टू ए बी कॉस थीटा, यानी कह सकते हैं कि वेक्टर सी और वेक्टर सी डैश का दोनों का मैग्नीट्यूड आपस में इक्वल है। ये सबट्रैक्शन ऑफ वेक्टर था। अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ हम लोग जुड़ेंगे।